आदरणीय दिग्विजय चाचा, अगर डर किसी को लगता है तो बुधनी की जनता को आपके उन 10 सालों से लगता है जिसमें आपने प्रदेश को विनाश की कगार पर छोड़ दिया था। अगर गलती से भी कांग्रेस का विधायक, वैसे होने वाला नहीं है लेकिन गलती से भी आ जाता है यहाँ पर, तो एक ईंट किसी के गांव में नहीं लगने वाली, ये समझ लेना आप सब। अपने पैरों हम क्यों कुल्हाड़ी मारे भाई। मध्य प्रदेश के बुधनी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर अब राजनीति चरम पर पहुंच गई है। इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला है। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान ने एक चुनावी कार्यक्रम में कुछ ऐसा कह दिया कि उनके बयान को लेकर कांग्रेस उन्हें नसीहत देने लगी। दरअसल शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान को उनके वायरल बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने नसीहत दी थी, जिस पर कार्तिकेय का जवाब भी सामने आया है। पहले कार्तिकेय सिंह चौहान का वायरल बयान आपको सुनवाते हैं, फिर बताते हैं दिग्विजय सिंह क्या कहा। 19-20 होता है तो आप समझिए किसका नुकसान होगा। अपने पैरों हम क्यों कुल्हाड़ी मारे भाई। अपनी पोलिंग में गड़बड़ी कर हम क्यों अपनी इज्जत खराब करें कि हमको नहीं जाना हमारे मुख्यमंत्री जी के पास काम कराने के लिए, कि हमको नहीं जाना अपना आदरणीय कृषि मंत्री जी के साथ काम कराने के लिए। बताइए गट्टी सरपंच जी, कैसे कराएंगे आप काम, जवाब दीजिए मुझे। अगर 19-20 हुआ किस मुंह से जाएंगे हम हमारे नेताओं के पास काम कराने के लिए, कौन सी सड़क लेके जाओगे। अगर गलती से भी कांग्रेस का विधायक, वैसे होने वाला नहीं है लेकिन गलती से भी आ जाता है यहाँ पर, तो एक ईंट किसी के गांव में नहीं लगने वाली, ये समझ लेना आप सब। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान के इस बयान पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर उन्हें नसीहत दी है। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, कार्तिकेय अभी से इस प्रकार का भाषण ना दो। अपने पिता शिवराज सिंह चौहान जी से सीखो, लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर भारत निर्माण में सहयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल तक मैं मुख्यमंत्री रहा लेकिन इस प्रकार की भाषा का कभी उपयोग नहीं किया। आपके पिता गवाह हैं, पंचायत राज कानून में निर्माण काम करवाने की जिम्मेदारी सरपंच की होती है न कि विधायक की। आप तो अभी न सरपंच है विधायक, आप मेरे पुत्र नहीं पौत्र समान है। ये मेरी राय है, आप माने या ना माने, आप जाने, जय सियाराम। दिग्विजय सिंह की नसीहत पर कार्तिकेय ने कहा, श्री दिग्विजय सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं, 2 बार के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रहे। आदरणीय दिग्विजय चाचा जी अगर मुझे फॉलो करते हैं, मेरी स्पीच सुनते हैं, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं सम्माननीय मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी का सम्मान करता हूँ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और महासचिव भी कांग्रेस के रहे हैं। और सचमुच में मेरे लिए तो ये बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि आदरणीय चाचा साहब मुझे और मेरे बयानों को इतनी नज़दीकी से देखते हैं, इसके लिए उनका आभार। और दूसरी तरफ जहां उनके बयान का सवाल है, जहां कांग्रेस के बयानों का सवाल है, उनके नेताओं के बयानों का सवाल है, वो सब डरने डराने की बातें करते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूंगा आदरणीय दिग्विजय चाचा, अगर डर किसी को लगता है तो बुधनी की जनता को आपके उन 10 सालों से लगता है जिसमें आपने प्रदेश को विनाश की कगार पर छोड़ दिया था। अगर डर किसी को लगता है तो टूटे गड्ढे वाली सड़कों से लगता है। डर किसी को लगता है तो लगता है मुश्किल से बिजली आने वाली हालातों से। तो डरते हम आपके उस शासनकाल से हैं, सीखना हम आपसे भी चाहते थे लेकिन 10 सालों में कोई ऐसा काम हुआ नहीं जिससे हम सीख सकें। मध्य प्रदेश की अन्य खबरों के लिए डाउनलोड करें MP News Today ऐप।